कांग्रेस ने तो हमेशा देश का वंटाधार किया है, कांग्रेस ने हमेशा भारत माता की पीठ पर छुरा घोपा है। कांग्रेस गद्दारों की पार्टी है जो आतंकवादियों के साथ मिलके देश के खिलाफ षड्यंत्र करे। ऐसी कांग्रेस पार्टी का नाम लेना भी पाप है। इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड लहर है। जम्मू तो पहले ही पूरा का पूरा जम्मू संभाग भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जम्मू संभाग के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन किया है और आज कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम हर घर में लहरा रहा है। जिस तरीके से मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के काम किए हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस मूल भाव से मोदी सरकार ने जो जम्मू कश्मीर में काम किए हैं उस कार्य और जम्मू कश्मीर की जनता का जो समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है उसको देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में चुनावों के बाद जो बनने वाली सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। और जो नेता आज इस बात के दावे कर रहे हैं यहाँ, वो ये वही लोग हैं जिन्होंने पंचायतों के चुनावों का बायकॉट किया, बीडीसी के चुनावों का बायकॉट किया और जब जिला परिषद के चुनाव आए तो इन्होंने गुपकार गैंग बना लिया था और वो गुपकार गठबंधन 10-10 पार्टियों का वो गठबंधन भी भारतीय जनता पार्टी से पीछे रहा और भारतीय जनता पार्टी डीडीसी चुनावों में भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आई। और आज जम्मू संभाग के साथ साथ कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे तरीके से लहरा रहा है। जब भी चुनाव होंगे मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी पर अपना आशीर्वाद देगी और प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत होगी। साहब का एक बयान आया, उन्होंने कहा है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि जो हमने पंचायत चुनाव और बीडीसी के चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। ये जो लीडर कश्मीर घाटी के गुपकार गठबंधन की आज अपनी गलतियां मान रहे हैं, इन्होंने एक गलती नहीं की है, इन्होंने पिछले 70 सालों में की ही गलतियां हैं और इनकी गलतियों का नतीजा है कि आज इन सब की जमीन खिसक चुकी है और पूरे जम्मू तथा कश्मीर घाटी में भी एकमात्र पार्टी है और वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जम्मू कश्मीर की अगली सरकार बीजेपी की होगी और प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। इंडिया उमर अब्दुल्ला ने कटाक्ष किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 44+ का नारा दिया था, वो पहले 44 तो पहुंच जाए, 50 तो दूर की बात है। चलिए, श्री उमर अब्दुल्ला साहब के इस ख्वाब को भी हम पूरा करेंगे और 50 से ज्यादा सीटें लेकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनाएगी। जब से असेट मोनेटाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया है, कांग्रेस ये कह रही है इंडिया ऑन सेल, आपका क्या टेक है इसके ऊपर, आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने तो हमेशा देश का वंटाधार किया है, कांग्रेस ने हमेशा भारत माता की पीठ पर छुरा घोपा है। कांग्रेस गद्दारों की पार्टी है जो आतंकवादियों के साथ मिलकर देश के खिलाफ षड्यंत्र करे। ऐसी कांग्रेस पार्टी का नाम लेना भी पाप है। सैयद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद आपको लगता है कि कश्मीर घाटी में अलगाववाद के एक युग का अंत हुआ है? अलगाववादियों ने हमेशा जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है, हालांकि किसी की मृत्यु पर जश्न नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम जी ने जब रावण को मार दिया था और लक्ष्मण जब बहुत हर्षित मुद्रा में उनके पास पहुंचे तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को भी कहा था, लक्ष्मण किसी की मृत्यु पर जश्न और हर्ष नहीं करना चाहिए। परंतु एक बात तो सत्य है कि अलगाववादियों ने पाकिस्तान की मदद से कश्मीर को 30 सालों में लहूलुहान किया है और जिस तरीके से पाकिस्तान ने हुर्रियत के एक नेता की
मृत्यु के बाद राष्ट्रीय शोक पाकिस्तान में मनाया गया। यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पूरी मिलीभगत है जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने। पाकिस्तान गिलानी की मौत को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान मौत का सौदागर है जिन्होंने कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिशें की हैं, लेकिन भारत दुनिया का एक बहुत ताकतवर देश है और दुनिया के सबसे ताकतवर नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान हो या कोई और हो, जो देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ, हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, मिट्टी में मिला के रख दिया जाएगा।